तो दोस्तों अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो 5 क्वेश्चंस हमने सेलेक्ट किए हैं जो आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा पूछे हैं यूट्यूब पर। अब मैं 1 by 1 उनका रिप्लाई करता हूँ और जो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं तो प्लीज़ कमेंट्स में एक बार थैंक यू ज़रूर बोल देना, क्योंकि वीडियो बनाने में भाई बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा जो यूट्यूब रिलेटेड होंगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, किसी भाई ने पूछा है, सर क्या कम्युनिटी पोस्ट पर भी स्ट्राइक आ जाएगा? जैसा भाई हमारी वीडियोस जो लॉन्ग होती हैं और शॉर्ट्स होती हैं, अगर उस पर हम कोई ऐसी गलत एक्टिविटी कर देते हैं, गलत वीडियो पोस्ट कर देते हैं जो कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो हमें स्ट्राइक मिल जाती है। फिर अगर चाहें तो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है। अगर हम किसी का कंटेंट कॉपी कर रहे हैं तो कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है। अगर हम यूट्यूब की गाइडलाइंस को उल्लंघन कर रहे हैं तो हमें कम्युनिटी गाइडलाइंस का स्ट्राइक मिल जाता है। वैसे ही अगर आप कोई पोस्ट कम्युनिटी में डाल रहे हो, अगर किसी और का कंटेंट है, तो आपके ऊपर कॉपीराइट क्लेम वो कर सकता है और कॉपीराइट स्ट्राइक भी आ सकती है। वैसे ही अगर आप कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है, जैसे कि कोई भी आपने रूल ब्रेक कर दिया और कम्युनिटी पोस्ट में आप कोई भी पोस्ट कर रहे हो, तब भी आपके ऊपर स्ट्राइक आ सकती है, क्योंकि आप यूट्यूब के रूल तोड़ रहे हो, चाहे वो शॉर्ट्स वीडियो का हो, चाहे लॉन्ग का हो, चाहे आप कमेंट्स में कर रहे हो या फिर कम्युनिटी पोस्ट कर रहे हो, उस पर भी सेम वही रूल लागू होता है। तो आप कम्युनिटी पोस्ट अगर कर रहे हो उसको भी बहुत ही देखभाल के बहुत ही सही तरीके से करिएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, सर क्या जिन वीडियो को हम गूगल एड्स से प्रमोट करते हैं रुपए लगाकर, क्या उसका वॉच टाइम काउंट होगा? देखिए दोस्तों, कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं जिसका यूट्यूब की तरफ से वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, भले ही आपका 1 लाख 2 लाख 5 लाख उस पर वॉच टाइम हो गया, व्यूज़ कितनी भी हो मैटर नहीं करता, वॉच टाइम कितना भी हो मैटर नहीं करता, वो काउंट नहीं होगा। जैसे कि कोई वीडियो आपकी प्राइवेट है उसका वॉच टाइम काउंट नहीं होगा, किसी ऐसी वीडियो को जो आपने डिलीट कर दिया काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम था उसका भी वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। और ऐसी वीडियो जो आपने गूगल एड्स के जरिए अपनी वीडियो को प्रमोट किया है जिससे लोग उसको काफ़ी ज़्यादा देखें, व्यूज़ काफ़ी मिल गई, इंगेज आपको काफ़ी ज़्यादा मिल गया, उससे सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए, ये सब तो मिल जाएगा, लेकिन जो उसका वॉच टाइम होगा वो दोस्तों काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भाई ने पूछा है कि भाई पिक्सल लैब में फॉन्ट कहाँ से और कैसे ऐड होगा? तो दोस्तों पिक्सल लैब में बाहर से भी आप फॉन्ट ऐड कर सकते हो। पिक्सल लैब बहुत ही एक बढ़िया एप्लीकेशन है आपके थंबनेल बनाने के लिए, बैनर डिज़ाइन करने के लिए, लोगो डिज़ाइन करने के लिए, आप उस पर बहुत ही अच्छी पोस्ट भी डिज़ाइन कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेड ही फॉन्ट होते हैं। अगर आप फॉन्ट अलग से ऐड करना चाह रहे हो तो बाहर की वेबसाइट से आप डाउनलोड करके ऐड कर सकते हो, लेकिन कैसे ऐड करना है, कहाँ से आपको फॉन्ट लेना है, मैंने एक वीडियो काफ़ी टाइम पहले बनाई थी कि पिक्सल लैब में फॉन्ट कहाँ से ऐड करें और कैसे ऐड करें, आपको मैं कोशिश करूँगा ऊपर आई बटन या डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा, आप दोनों चीज़ें चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप जाकर वीडियो देखकर आप अपने फॉन्ट को ऐड कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से, और बहुत ही अट्रैक्टिव फॉन्ट भी मैंने उसमें बताए, तो जाकर आप वीडियो उसको चेक जरूर करिएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, भाई बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या यूट्यूब चैनल से कमा सकता हूँ? इनका क्वेश्चन है कि मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, क्या यूट्यूब से रुपये कमा सकता हूँ? तो देखिए भाई, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो टेक्निकल होती हैं, जिसका प्रैक्टिकल नॉलेज ही हमारे लिए बहुत बढ़िया रहता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा होता है, जिससे वो अपनी लाइफ में सक्सेस हो जाते हैं। तो यूट्यूब भी एक ऐसी चीज़ है जो टेक्निकल चीज़ों से जुड़ी हुई, प्रैक्टिकली जुड़ी हुई है। आप अपना चैनल बनाने के लिए लोगों की वीडियो देख लो कि कैसे चैनल बनाया जाता है, आप चैनल उस तरीके से बना लो। ये प्रैक्टिकली चीज़ें कि आपको इस ऑप्शन के नीचे ये ऑप्शन पे आना है, यहाँ पर ये चीज़ें फिल करनी, वो चीज़ें फिल करनी, सेम वैसे ही करते चले जाओ, थोड़ा सा बस दिमाग आपका लगेगा, पढ़े लिखे नहीं हो कोई बात नहीं, आपका चैनल बन जाएगा। आप सोचिए कि कंटेंट आपको कैसा डालना, वो कंटेंट बना के आप अपलोडिंग का तरीका देख लीजिए, यूट्यूब पर वीडियो कैसे अपलोड की जाती है पूरा तरीका देख लीजिए, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कैसे लिखा जाता है वो देख लीजिए, सेम वैसे ही आप थोड़ा सा एडिट करके लिख दीजिए। थंबनेल बनाने का तरीका आप वीडियोस में देख लीजिए, मैंने कई ऐसे वीडियोस बनाई जिसमें थंबनेल बनाने का तरीका बनाया, मेरी वीडियोस मत देखिए, जिसका मन हो उसकी वीडियोस देख लीजिए, बस आपको समझ में आना चाहिए। तो बहुत से ऐसी वीडियोस हैं, हर काम अपनी आप वीडियोस देख के कर सकते हो भाई, धीरे धीरे जब सीख जाओगे तो आपको वीडियोस देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी,
काफ़ी अच्छा आपका चैनल ग्रो होने लगेगा। और जब मोनेटाइज होने के बाद हो तब फिर से कोई वीडियो देख लो, मोनेटाइज कैसे करें, रुपए कैसे अर्न करें, वो भी उसमें बता देगा, आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपका बस दिमाग थोड़ा यूज़ होना है, पढ़े लिखे हो या ना हो मैटर नहीं करता, टेक्निकल चीज़ें आपके माइंड से ही सारी चलते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, भाई यूट्यूब स्पॉन्सरशिप कैसे देता है? ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई यूट्यूब स्पॉन्सरशिप कैसे देता है और कब देता है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि यूट्यूब स्पॉन्सरशिप नहीं देता है। आपके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाएं, 10 मिलियन हो जाएं, कितना भी सब्सक्राइबर, कितना भी व्यूज़, कितना भी वॉच टाइम हो जाए, यूट्यूब आपको कभी स्पॉन्सरशिप नहीं देगा। जी हाँ, क्योंकि यूट्यूब स्पॉन्सरशिप नहीं देता है। यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपनी वीडियो अपलोड करते हो, व्यूवर्स देखते हैं, उस पर व्यूज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। जब व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ते हैं तो जो कंपनीज होती हैं एडवर्टीजमेंट के लिए, वो आपके चैनल पर विजिट करती हैं, देखते हैं कि आपका सब्सक्राइबर्स कैसा है, व्यूज़ कितनी आ रही हैं वीडियोज़ पर, कैसा आप कंटेंट बना रहे हो, उस हिसाब से वो कंपनीज़ आपको कॉन्टेक्ट करती है जो आपने जीमेल प्रोवाइड करा रखा है, ऑफिशियल मेल प्रोवाइड करा रखी, उसके जरिए आपसे कांटेक्ट करते हैं या इंस्टाग्राम से आपसे कांटेक्ट करते हैं। तो यूट्यूब आपको स्पॉन्सरशिप नहीं देता है, कंपनीज़ अपने एडवर्टीजमेंट के लिए या कंपनीज़ के एजेंट आपसे कांटेक्ट करते हैं, वही आपको स्पॉन्सरशिप देंगे। कैसे, क्या आपको वीडियोज़ बनानी, कंटेंट बनाने, वो आपको बताएंगे, आप उनको बताएंगे, जो भी डील होगी कंपनीज़ और आपके बीच में होगी, यूट्यूब का इसमें कोई काम नहीं होता है। बस YouTube एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप वीडियोस बनाकर वो अपलोड करते हो। आई होप दोस्तों इन वीडियोस से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती होगी। भाई मेरी भी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में, शूट करने में, एडिट करने में, तो अगर एक सब्सक्राइब कर दोगे तो इससे काफ़ी ज़्यादा भाई को मोटिवेशन मिलेगा। मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।